कश्मीर से पहली बार इस तरह का मामला सामने आया है, हालांकि आदेश पहले ही जारी किए गए थे। अगर किसी माइनर से एक्सीडेंट होता है तो उनके जो वालिद हैं उनको जो है सज़ा मिलेगी। खैर, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है कि एक कश्मीर से एक बेटे ने रोड एक्सीडेंट किया, वही एक्यूज पाया गया, पर उनके जो वालिद हैं उनको 3 साल की जो सजा है वो सुनाई गई है। श्रीनगर स्पेशल मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट ने जिस तरह से एक कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले वालिद हैं उनके बेटे की जगह उनको सजा सुनाई है 3 साल की एक व्हीकल एक्सीडेंट केस में, और जो एक्यूज्ड है उसको एक बॉन्ड जो है 30,000 का वो भी देना पड़ेगा। और साथ ही जिस तरह से सेक्शन 199A जो मोटर व्हीकल एक्ट की है 1988 के अकॉर्डिंग, अगर कोई बच्चा व्हीकल एक्सीडेंट करता है जो माइनर है जिसके पास लाइसेंस नहीं है जाहिर तौर पर, और उनके जो गार्डियन हैं उनको सज़ा मिलेगी, यानी कि या फिर जो व्हीकल ओनर हैं वो गिल्टी कंसीडर किए जाएंगे। तो कश्मीर से इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है जहां पर एक बेटे ने एक्सीडेंट किया है और उसकी गलती की सज़ा उनके पिता को दी गई है। आदेश पहले के हैं पर कश्मीर से इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है। खैर, आपको हम बता रहे हैं कि 3 साल की जेल हुई है उनके वालिद को, और साथ ही एक 30,000 का जो बॉन्ड है वो भी उनको देना पड़ेगा। और उसी के साथ हम अक्सर देखते हैं सड़कों पे जो माइनर हैं वो स्कूटी लेके जाते हैं या बाइक्स लेके जाते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं, और ना ही उनके पास लाइसेंस होता है, उसके बावजूद बिल्कुल बेखौफ होकर वो 2-व्हीलर हो या 4-व्हीलर हो वो चलाते हैं। अब क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं। हालांकि जो ट्रैफिक पुलिस है उनको लगाम कसनी होगी उन बच्चों पर जो 18 साल से नीचे हैं, जो माइनर हैं, उसके बावजूद बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हैं, स्पीड इतनी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि बच्चे हैं उतने समझदार नहीं हैं, उनको शायद इस बात का इल्म नहीं है कि अगर वो ये करेंगे तो किसी की जान जोखिम में, अपने साथ साथ किसी और की जान जो है वो भी खतरे में वो डाल सकते हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कहीं पर भी आप देख लीजिए, किसी भी इलाके में देख लीजिए, बहुत सारे माइनर्स आपको स्कूटी चलाते हुए, बाइक्स चलाते हुए, गाड़ियां चलाते हुए दिखेंगे। तो हमारे भी तमाम पेरेंट्स से ये अपील है कि उनके बच्चों को तब तक जो है गाड़ियां ना दें, क्योंकि बच्चों की जिद में आके पेरेंट्स तो उन्हें 2-व्हीलर या 4-व्हीलर कन्वीनियंस दे देते हैं, पर आप उनकी जान के साथ खेलते हैं, आप दूसरों की जान के साथ खेलते हैं अगर आप अपने माइनर बच्चे को गाड़ी चलाने देते हैं। तो अब जिनको नहीं भी पता है, हालांकि ये आदेश पहले का है, जिनको नहीं भी पता है उनको मैं बता दूं कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 19A के तहत अगर एक बच्चा जो माइनर है व्हीकल एक्सीडेंट करता है तो उनके गार्डियन और या फिर व्हीकल ओनर को गिल्टी कंसीडर किया जाएगा और उन्हीं को सजा दी जाएगी। और कश्मीर से ये मामला सामने आया है जहां पर एक फादर को 3 साल की जेल हुई है जबकि उनके माइनर सन ने ये रोड एक्सीडेंट किया था। तो हालांकि इतनी समझदारी तो हर किसी में है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा माइनर है, लाइसेंस बनाने की भी उसकी उम्र नहीं है, उसके बावजूद अगर उसकी ज़िद में आके या कुछ भी शौक में आके अगर आप उसे कोई गाड़ी दे देते हैं, 2-व्हीलर दे देते हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी गलती की सज़ा उनके गार्डियन को भुगतनी पड़ेगी, जो कि कश्मीर के एक वालिद 3 साल जेल में अब भुगतेंगे। तो सभी से एंड में यही अपील कि आप अपने बच्चों को समझाएं, जो स्कूल्स हैं वहाँ पर बच्चों को समझाया जाए, तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये बताया जाए, बच्चों को समझाया जाए, पेरेंट्स को समझाया जाए कि जब तक आपका बच्चा माइनर है ना ही आप उसको 2-व्हीलर दे सकते हैं, ना ही आपको 4-व्हीलर दे सकते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी जिद करे या जितना मर्जी कहे, आपको एज अ पेरेंट उनको समझाना है, नहीं तो
हो सकता है आपके साथ भी वही हो जो कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले इस वालिद के साथ हुआ है। 3 साल की सजा अब ये जेल में काटेंगे अपने माइनर सन की गलती की वजह से। तो फिलहाल इसी मैसेज के साथ कि जो इनके साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, इसलिए सतर्कता बरतें, जो आदेश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी की रिस्पॉन्स।